भाजपा ने जिला विधानसभा एवं मंडलों में प्रभारी की नियुक्ति की है। रायगढ़ जिला भाजपा को मजबूत करने के लिए पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को प्रभारी एवं विकास महतो को सह प्रभारी बनाया गया है। नियुक्ति के बाद से प्रभारियों का जिले में प्रवास शुरू हो गया है। रायगढ़ जिला प्रभारी अभिषेक सिंह ने भी विधानसभा रायगढ़ खरसिया एवं धरमजयगढ़ में कार्यकर्ताओं की बैठक ली है। धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक छाल नवापारा में रखी गई थी। आतिशबाजी के साथ अतिथियों का स्वागत किया गया। वहीं बैठक में सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित की गई। अभिषेक सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं से परिचय लेते हुए सुझाव मांगे। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा एक परिवार है जिसका उद्देश्य चुनाव जीतना ही नहीं बल्कि संगठित रहना है। आगामी चुनाव में पार्टी को मजबूत करने के लिए बूथ को मजबूत करना है। ओपी चौधरी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि हमें प्रभारी के रूप में युवा नेतृत्व मिला है जिनके मार्गदर्शन में रायगढ़ जिला भाजपा और मजबूत होगी। चौधरी ने संगठन को मजबूत करने के लिए अनेक बातें कही। वहीं सड़क को लेकर घरघोड़ा से रायगढ़ तक हुए पदयात्रा को सफल बनाने के धन्यवाद दिया। वहीं आगामी दिनों में मोर आवास मोर अधिकार को लेकर बड़ा आंदोलन करने की बात कही। बैठक में विधानसभा क्षेत्र में निवासरत प्रदेश जिला पदाधिकारी मंडल प्रभारी मंडल पदाधिकारी बूथ के प्रभारी संयोजक सह संयोजक जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धरमजयगढ़ से उमा यादव की रिपोर्ट।